आजकल जैसे जैसे हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू इस पूरी दुनिया से जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जितने ज़्यादा लोगों से डिजिटली जुड़ रहे हैं, हम लोग उतने ही ज़्यादा अकेले होते जा रहे हैं। अब कोई इंसान अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और उस इंसान की प्रोफाइल देख कर आप ये सोचने लग जाते हो कि यार ये इंसान अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा खुश है और इसकी लाइफ कितनी सही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान डिजिटली आपको खुश दिखाई दे रहा होगा वो इंसान अपनी रियल लाइफ में भी खुश होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप डिजिटली लोगों से कनेक्ट मत होइए या फिर आप डिजिटली ग्रो मत करिए, आप ये दोनों काम करिए, लेकिन किसी इंसान से डिजिटली इन्फ्लुएंस मत होइए। और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और जो दूसरा इंसान आपको दिख रहा है वो अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात आती है कि हम लोगों से जुड़ना क्यों चाहते हैं, तो बेसिकली इस बात का सीधा सा जवाब है और वो ये है कि हम लोग चाहे खुद को कितना ही खुश दिखा ले, हमारे अंदर एक अधूरापन है और इस इनकम्प्लीटनेस को फुलफिल करने के लिए हम लोग लोगों से जुड़ रहे हैं। क्योंकि एट द एंड हमारे अंदर एक फियर होता है, एक डर होता है कि अगर उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को उस इंसान के छोड़ने का डर नहीं है, बल्कि हम अकेले होने से डरते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अकेले हो जाएंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, बट अगर आप इस अकेलेपन को पॉजिटिवली लोगे तो आप कुछ कमाल कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप अकेले रहोगे तो आप खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जितना लोगों से जुड़ रहे हैं हम खुद को उतना ही खोते जा रहे हैं। अब जब भी आप अकेले होते हो तो आप खुद को जान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि आपके अलावा आपको कोई और नहीं समझ सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप अकेला फील करो तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में सोचो, आप अपनी ताकत को पहचानो। हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरा जहान हमारे अंदर ही बसा हुआ है। तो आप ये देखो कि आपकी थिंकिंग किस लेवल पर जा सकती है, और जब इस तरीके से आप सोचोगे तो आपकी सोच की कोई लिमिट नहीं होगी। सो दैट टाइम यू विल बी लिमिट। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस दुनिया के पीछे मत भागो, आप बस खुद को पहचान लो, दुनिया आपके पीछे भागने लगेगी। थैंक यू, साइनिंग आउट संस्कारी दिशा।